साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे डाबर जन्म घुट्टी। साथियों डाबर जन्म घुट्टी कोई ऐसे ही पर्सन होगा जिसको इसका नाम नहीं पता होगा। साथियों घर में बच्चा छोटा होता है तो उसको सभी लोग जो है डाबर जन्म घुट्टी जो है देते ही जरूर हैं, क्योंकि डाबर जन्म घुट्टी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टीज है जो बच्चों में इस्तेमाल करने वाली दवा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डाबर जन्म घुट्टी है क्या, कहने का मतलब है, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे और बेस्ट कंपोजिशन जानेंगे डाबर जन्म घुट्टी में है क्या क्या। साथ ही साथ इसके डोजेस की बात करेंगे, सेफ्टी इंफॉर्मेशन और MRP की बात करेंगे। साथियों डाबर जन्म घुट्टी इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टीज, कहने का मतलब है ट्रूली सेफ है, बच्चों में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और ये सेफ है। और खास बात इसमें है हनी मिला हुआ है। हनी साथियों क्या होता है कि शहद जो है एक बच्चों में मिठास तो लाता है, साथ ही साथ हनी बहुत ही पौष्टिक होता है शरीर के लिए। और साथियों क्या होता है, डाबर जन्म घुट्टी इज है प्ले ड्यूअल रोल ऑल अराउंड ग्रोथ ऑफ इन्फेंट, कहने का मतलब है बच्चों में जो है ग्रोथ में बहुत ही सहायक है। डाबर जन्म घुट्टी एक्ट एज ए इफेक्टिव रेमेडी फॉर स्टमक अलाइनमेंट, कहने का मतलब है पेट में बच्चों के विकार नहीं होता। जैसे दूध पीते हैं तो मतलब जैसे क्या होता है उसमें फ्लेचुलेंट, कहने का मतलब है गैस के गुब्बारे नहीं बनते हैं, किसी तरह से जो है इंडाइजेशन नहीं होता है, डिस्पेप्सिया नहीं होता है, पेप्टिक अल्सर नहीं होता है, डायरिया नहीं होता है और जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, बच्चों को वोमिटिंग नहीं होने देता है। तो ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मददगार है, साथ ही साथ क्या होता है डाइजेशन करने में मदद करता है। छोटे बच्चे मिल्क पीते हैं, मिल्क से क्या होता है कभी कभार पेट खराब होने के चांस होते हैं, तो उस तरह से क्या होता है बच्चों में गैस भी ये जो है एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है और पेट दुरुस्त रखता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन दी ग्रोथ प्रोसेस बाई एक्सपेलिंग इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, और जो इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको बाहर मल के द्वारा निकाल देता है। साथ ही क्या होता है टोनिंग अप द डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को टोनिंग करता है, कहने का मतलब है उसको साफ करके फ्रेश कर देता है। और उसके बाद क्या होता है गुडनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले हैं जैसे कि अंजीर। अंजीर साथियों इतनी अच्छी चीज़ है, आयुर्वेद में इसका युगों युगों से जो है उपयोग चला आ रहा है, क्योंकि पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, किसी तरह से गैस नहीं बनती है, किसी तरह का विकार नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। साथ ही साथ इसमें किशमिश मिली है और अजवाइन मिली है। अजवाइन क्या होता है फ्लेचुलेंस जो होता है, गैस के गुब्बारे बनते हैं, गैस ऊपर की तरफ चढ़ती है, वो सभी कुछ इसके अंदर नहीं होता है। साथियों डाबर जन्म घुट्टी हनी, इसके अंदर हनी मिला है साथियों। ये देखिए इसकी बॉटल है साथियों, ये इसका बॉक्स है, ये इस तरह की बॉटल है साथियों। जो हमारे पास डाबर जन्म घुट्टी बॉटल है वो 30 ml की है, लेकिन मार्केट में इसकी बहुत सी पैकिंग अवेलेबल है, जैसे 120 ml है और भी इससे बड़ी क्वांटिटी है। सभी का MRP अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी और जो है इसकी यूज सब सेम है। साथियों यूजेस हम बेनिफिट की बात करेंगे साथियों, तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया है, ये एक टाइप से पावरफुल स्पेक्टोरेंट का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर इतने आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट मिले हैं कि बच्चे को हल्की फुल्की अगर कोल्ड है, नजला है, गले में खराश है, खांसी है, वो भी ठीक करता है। साथ ही साथ ये लग्जेटिव का काम करता है, बच्चे के अंदर ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है। एंड आल्सो यूजफुल इन फीवर्स, और बच्चों को जो बुखार वगैरह आ जाता है वो नहीं आने देता है। सपोर्टिव मेडिसिन के साथ अगर बुखार आ रहा दे देंगे तो बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ कोल्ड हो जाता है अराइजिंग ड्यू टू थ्रस इन चिल्ड्रन, तो जुकाम और सर्दी नहीं होने देता है। साथियों ये क्या करता है प्रिवेंटिंग कंडीशन लाइक फ्लेचुलेंस, जैसा कि अभी बताया कि गैस बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता है, कोलिक डिस्पेप्सिया हो जाती है, कहने का मतलब है पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाता है पेट के अंदर किसी कारणवश, या डायरिया हो जाता है, तो वो सभी चीजें नहीं होने देता है, किसी तरह का पेट का विकार नहीं होने देता है। साथ ही साथ जो है बच्चे के फूड को डाइजेशन में मददगार भी होता है। और ये क्या है गुड फॉर ग्रोथ, और ये बच्चों की ग्रोथ में बहुत ही मददगार है, क्योंकि बच्चे इसको पीने से जो है उनका पेट दुरुस्त रहता है, उससे वो चिड़चिड़े नहीं होते हैं और प्रॉपर नींद लेते हैं। जब बच्चों की नींद होती है बहुत प्रॉपर, तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। साथ ही साथ
क्या होता है कि इंटेस्टाइनल वाम जो होते हैं उनको एक्सपेल कर देता है, मल के द्वारा बाहर निकाल देता है और उसको इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, टोंड कर देता है। कहने का मतलब एक तरह से सर्विस कर देता है और क्लीनिंग कर देता है, ठीक कर देता है जो है बच्चों के अंदर। तो साथियों इस तरह से बहुत ही इसके उपयोग हैं, जैसे कि इसमें शहद मिला है, ये बहुत ही मिठास, बच्चों को बहुत इसका टेस्ट बहुत पसंद है। साथ ही साथ ये पौष्टिक होता है, गले में खराश नहीं होने देता है, बच्चों के अंदर रोगों की लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। साथ ही साथ जो इसके अंदर अंजीर मिला है वो पेट में गैस बनने से रोकता है। गैस नहीं जब बनेगी तो बच्चा जो है क्या करते हैं कि किसी तरह का विकार नहीं होगा। और द्राक्षा इसके अंदर जो मिला है वो कब्ज में बहुत उपयोगी है, जैसे कि डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री होता है, वो नहीं होने देता है। जो सौंफ है पेट के अंदर ऐंठन मरोड़ दर्द होती है वो नहीं होने देता है इसके अंदर। तो इस तरह से जो है बहुत सी चीजें इसमें मिली हैं। साथियों ये तो यूजेस की बात हो गई, कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो जब भी परचेज करेंगे साथियों, ये देखिए इसमें कंपोजिशन बॉक्स में लिखा है, वीडियो में हम फोटो में दिखाएंगे भी साथियों। तो जैसे इसमें मिला है अंजीर, जैसा कि अभी हमने बताया है, जो बायोलॉजिकल सोर होता है फाइकस कैरिका जो 4.5 ग्राम मिला है, साथ ही साथ इसमें द्राक्षा मिला है 4.5 ग्राम, विधंगा मिला है जिसको हम एम्बेलिका राइबिस भी कहते हैं, सेन्ना मिला है, अकेसिया अगस्टी फोलिया मिला है, वाचा इसके अंदर मिला है, साथ ही साथ इसके अंदर जो है प्लासा मिला है, अमलतास मिला है, उन्नाव मिला है, मधु मिला है, सौंफ मिली है, अजवाइन मिली है, गुलाब का जल मिला है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें इसके अंदर मिली हैं और बहुत ही अच्छी हैं, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही वो 100% आयुर्वेदिक है, ट्रूली सेफ है बच्चों के लिए, तो नो साइड इफेक्ट, इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे फायदे ही फायदे हैं। जैसे कि बच्चों में दांत जब निकलते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बुखार नहीं आने देता है और जो है क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। तो जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय इसको देते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ये जो है किसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है विकार नहीं होने देता है और खाना जो है और जो मिल्क है बच्चे में तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। साथियों डोजेस की बात करेंगे साथियों, तो इसमें एक से तीन माह के अंदर जो 1 ml देना है, कहने का मतलब है 20 बूंद जो है 1 से 3 माह के बच्चे को देना है। साथियों ध्यान से सुनिएगा, साथ ही साथ 4 से 6 माह को जो है 2.5 ml, कहने का मतलब है आधा चम्मच देंगे। साथ ही साथ 7 माह से अधिक का बच्चा होगा तो उसको 5 ml 1 स्पून जो है उसको देंगे इसके साथ। साथियों सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो साथियों जब भी परचेज करेंगे तो इसकी एक्सपायरी जरूर चेक करिए, साथ ही साथ स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेसेस। साथियों सेक विल बिफोर, जब भी इस्तेमाल करें बच्चे के पिलाने के लिए बॉटल को सेक कर लें एवरी यूज पे जो है। साथ ही साथ इसका जो है रिकैप टाइट, कहने का मतलब यह है इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी ढक्कन को टाइट जो है बंद कर दें। साथियों 30 ml का ये सीरप है हमारे पास, 27 रुपये MRP है, डाबर आरोग्य एक डिवीजन है डाबर लिमिटेड आयुर्वेदिक कंपनी की, उसका ये प्रोडक्ट है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।